आज फिर आप मन के सामने एक ठी कविता लेके आए हूँ। मैं कृष्ण कुमार साहू। कविता के शीर्षक है सूत उठ के बिहनिया ले मुँह माँ चाय के नाव। त सुना सूत उठ के बिहनिया ले मुँह माँ चाय के नाव। सूत उठ के बिहनिया ले मुँह माँ चाय के नाव। और जोंगे घर म घर वाली ला जल्दी चाय बनाओ। और जोंगे घर म घर वाली ला जल्दी चाय बनाओ। चाय पिए बिन माथा अड़बड़ पिराथे। चाय पिए बिन माथा अड़बड़ पिराथे। और चाय पिए त मन के सुस्ती भाग जाते। चाय पिए त मन के सुस्ती भाग जाते। तभे तो चाय म अतेक लगाओ। तभे तो चाय म अतेक लगाओ। और जोंगे घर म घर वाली ला जल्दी चाय बनाओ। और सूत उठ के बिहनिया ले मुँह म चाय के नाव। पिए चाय चल देहे नांगर म। पिए चाय चल देहे नांगर म। सुस्ती नहीं आए जांगर म। और नहीं होए मन खाओ खाओ। नहीं होए मन खाओ खाओ। जोंगे घर म घर वाली ला जल्दी चाय बना। और एक दू कप म मन नहीं माढ़ गिलास भर ढोंके। एक दू कप म मन नहीं माढ़ गिलास भर ढोंके। और बने हैं लाली चाय दूध के तंगाई होगी। बने हैं लाली चाय दूध के तंगाई होगी। और गुड़ के चाय शक्कर कहाँ बिसाँ। गुड़ के चाय शक्कर कहाँ बिसाँ। और जोंगे घर म घर वाली ला जल्दी चाय बनाओ। सूत उठ के बिहनिया ले मुँह म चाय के नाव। तो संगी हो ये तो चाय के बारे में कविता है। आज कल हर घर चाहे गरीब रहे चाहे अमीर सूत उठ के पहली मुँह म चाय के ही नाम आते। और शक्कर नहीं है तो गुड़ के चाय बना। और दूध नहीं है तो लाली चाय बना। और फिर चाय पी के अपन बूता काम में भीड़ जा। तो कविता कैसे लगी कमेंट करके बता। राम राम जय जोहार।